हर दिल पसंद चिकन टिक्का कर हाई की है रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आए बिना टाइम को वेस्ट किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने चिकन का गोश्त और इसको मैंने अच्छे से धो लिया। और ये देखिए ये हड्डी वाला है, बोनलेस मैंने यूज़ नहीं किया। और अब हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। ये तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने कोई ढेर सारी चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ मैंने यहाँ पे विनेगर यूज़ की है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने वो डाल देने हैं इसमें, ताकि ये अच्छे से अंदर तक मैरिनेट हो जाए। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन का और 1 टेबल स्पून अदरक का मैंने लिया है। और इन दोनों चीज़ों को लगाकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर तक जो है मैरिनेट हो जाए और इसका जायका जो है ज़बरदस्त और डबल होकर आएगा। ठीक है जी, तो मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स जी। तो यहाँ पे चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसको साइड पर कर देना है। अब यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, तो जाहिर बात है जी हम चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो ये कढ़ाई में ही बनेगी। और इसमें मैंने लिया है 1 कप ऑयल का, आपको जितना तरी चाहिए आप उतना ऑयल ले सकते हैं इसमें। अब मैं इसको कर लूँगी गरम। और इस यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं 3 प्याज जिनको मैंने ब्लेंड किया हुआ है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, इससे यह है कि तरी बहुत ज़्यादा स्मूथ सी और मज़ेदार सी लगती है, यानी कि इसमें प्याज वगैरह तैरता हुआ नज़र नहीं आता, बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है, यानी कि जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उस तरह इसका जायका लगता है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे जो तरी है मुझे थोड़ी सी डार्क चाहिए थी, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा डार्क चाहिए थी, तो मैंने इसको जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने फ्राई कर लिया है। और अब मैंने इसमें चिकन डाल देनी है और इसको भी मैंने थोड़ा सा इसमें अच्छे से पका लेना है, ताकि जो चिकन का कलर है वो अच्छे से आ जाए इस पर। ठीक, तो यहाँ पर कोई पानी वगैरह का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, इसको मैंने ऐसे ही ढक देना है ताकि ये इसके तेल से ही अच्छे से गल जाए अंदर तक। और इसके बाद देखिए मैंने इसको निकाला है, तकरीबन 5 मिनट बाद चेक किया था मैंने इसे, और कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, बिल्कुल भी ये वाइट नहीं रही अंदर तक। अच्छा, कुछ लोगों को ना चिकन की स्मेल आती है अक्सर कढ़ाई में, क्योंकि वो चिकन अच्छे से फ्राई नहीं की गई होती, उसको भूना नहीं गया होता, तब ही इसमें से स्मेल आती है। तो हमने भूनने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं और मैंने उनको कट करके डाल देने, जायका बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पे मुझे खुशबू आ गई थी लहसुन अदरक की, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है जी टमाटर। 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के और उनको मैंने उनको भी ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पर मैंने सब चीज़ें तकरीबन ब्लेंड की हुई ही यूज़ की हैं, इससे यह है कि तरी बहुत ज़्यादा अच्छी और थिक बनती है। अब मैंने इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद बारी आ जाती है जी स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, उसके बाद चिली फ्लेक्स डाले हैं इसमें, जितना मुझे चाहिए था टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सब चीज़ें वैसी ही डाली हैं। और लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी मैंने इसके बाद हल्दी डाल दी है। आप बाहर के मसाले जो हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गर्म मसाले का, जो गर्म मसाला होता है उसको मैंने भून कर रखा हुआ है, तो वो डाला है, इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हमें इन सब चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। बाहर के कोई मैंने मसाले यूज़ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, और इससे इतने एक मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और अब मैंने इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसको भूनते हुए ही मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, इससे जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और पहले तो यानी कि हम बाद में तो डालते ही हैं, अगर इसको पहले भी डाला जाए तो इससे जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आता है और इसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है धनिया का। और मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा ढककर, ताकि जो इसकी तरी है ये उसी में अच्छे से गल जाए। अच्छी, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट ढककर रखा था मीडियम आंच पे। और ये देखें जो लेग पीस है वो भी कितना अच्छे से गल चुका है, ऐसे दिख रहा है मुझे कि ये अच्छे से अंदर तक गल चुका है अच्छे से। और अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ी सी आँच तेज़ करके मैं इसको तरी में ही अच्छे से पका लूँगी। तो 20 से 25 मिनट लगे थे और यहाँ पर हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है और कितनी ज़्यादा ये बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही थी जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये यहाँ पर मैंने उसको उतार लिया, तो अब जी टिक्का फ्लेवर देना है इसको, टिक्का मसाला तो मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पर मैंने रखी है प्लेट बीच में और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कोयला, जिसको मैंने आग पर थोड़ा सा पका लिया था वो मैंने डालकर, और इसी की थोड़ी सी तरी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, तो इससे इसकी ये है कि स्मोक अच्छे से बन गई थी। और साथ ही मैंने इसको ढक दिया, इससे इसमें जायका आ जाएगा जी टिक्के फ्लेवर का। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि कोई भी मसाला डालने से अच्छा है टिक्के फ्लेवर का, कि आप थोड़ा सा कोयले को पका कर रखते हैं तो उससे जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आ जाता है। तो अब मैं इसको 5 मिनट इस तरह ही छोड़ूंगी और उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
थी तो देखा कितना आसान है चिकन टिक्का कढ़ाई को बनाना। घर की चीज़ें यूज़ की हैं, कोई मार्केट की चीज़ यूज़ नहीं की, ना ही मैंने बहुत सारे मसाले और बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है, और जिस तरह हम नॉर्मल घर पे खाना बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही है इसका मेथड। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।